नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिल्ली प्लांट जो होते हैं उसकी केयर कैसे की जाती है और उसे लगाया कैसे जाता है और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिर्च कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप में चिल्ली हैं। ये जो चिल्ली है बहुत ही तीखा होता है, ये देखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए इसके जो कलर हैं अभी लाल होने लगे हैं और देखने में एक ऐसा लग रहा है कि ये कोई मोती है, ऐसे देखने में बहुत ही सुंदर है। और जब ये पका हुआ नहीं होता है तो ये ग्रीन रहता है बिल्कुल। तो ये जो चिल्ली है बहुत ही तीखा, खाने में बहुत ही तीखा होता है। आप अगर एक चिल्ली इसके ले लें और जो ये है ये नॉर्मल चिल्ली है देसी, आप अगर इसके एक चिल्ली ले लें तो ये चिल्ली अगर जो है अगर 10 चिल्ली आप खा लो और ये चिल्ली एक चिल्ली खा लो तो दोनों बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस चिल्ली की बात ही निराला है। ये बहुत ही तीखा होता है तो इसे हम तीखे मिर्च भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। और यहाँ देखिए इसमें अलग अलग कलर में भी आते हैं। जब मैंने प्लांट किया था इसमें, मैंने ये सीड से लगाया है, तो सीड तो एक ही कलर में थे जो प्लांट के रेड में लगाया था, लेकिन जब ये इसमें फ्रूट लगे, इसमें जो चिल्ली लगे, तो सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट में हो गए। तो वो हो जाते हैं कभी कभी सीड से। ये देखिए इसमें ब्लैक टाइप में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि ये कोई और ही फ्रूट्स है। और यहाँ पे देखिए एक ही पॉट में लगा हुआ है, ये ब्लैक है, ये कोई पर्पल है, ये ग्रीन है शेड में और रेड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये चिल्ली। यहाँ देखिए, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो चिल्ली है नॉर्मली मैंने एक पॉली बैग में ही लगा दिया है। यहाँ देखिए जो पॉली बैग था मैं इसी में लगा दिया हूँ और इसमें बहुत ही अच्छा से ये फल रहा है। और ये जो चिल्ली है मैंने समर में ही लगाया था, आज से 4-5 महीना पहले ही लगा दिया था और उस टाइम से ये जो है ये फल रहा है और बहुत ही कंटिन्यूसली फल ही रहा है। और इसमें ये खासियत है कि इसमें मैंने कोई भी पॉट में नहीं लगाया, नॉर्मल ऐसे ही प्लास्टिक में लगा दिया है, तो ये और भी अच्छा होता है कि देखने में भी लग रहा है अच्छा कि हाँ चलो ये प्लास्टिक में ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो चिल्ली है राउंड चिल्ली बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है और ये चिल्ली जो है बहुत ही तीखा भी होता है। और जैसा कि आप ये भी चिल्ली देख सकते हैं, ये चिल्ली देखने में तो और ही खूबसूरत है और इस चिल्ली का जो नेम है वो ऑर्नामेंटल चिल्ली है और बहुत ही देखने में सुंदर भी है। इसके जो कलर हैं ये येलो में हैं और इसमें पर्पल में शेड आ रहे हैं और ये जो कलर हैं अभी और भी चेंज होंगे। तो मैंने इसे नॉर्मली एक पॉट में लगा दिया था तो ये पॉट में ही शिफ्ट है और ये डायरेक्ट मैंने इसमें सीडलिंग इसमें मैंने किया था तो ऑटोमेटिकली इसमें है अभी तक। और इसकी जो फ्रूटिंग है बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स बात आती है कि जो चिल्ली होते हैं, चिल्ली के प्लांट, उसकी केयर कैसे की जाए, क्योंकि जो देख रहे हैं आप प्लांट ये और एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्रूट हो रहे हैं, जो भी है चिल्ली हैं वो सब फल रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि चिल्ली आप जहाँ पे भी लगाएं, जिस पॉट में लगाएं, जिस कंटेनर में लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, उसमें आपको वेल ड्रेन सोइल चाहिए, जिससे कि चिल्ली में पानी की आवश्यकता तो होती है लेकिन ज़्यादा इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए, तो जिससे कि चिल्ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्ट देगा और आप जो चिल्ली हैं वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और चिल्ली जो ऐसा प्लांट है कि आप अगर एक बार लगा देंगे चिल्ली तो वो नॉर्मली 1 से 2 साल तक सर्वाइव कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप एक चिल्ली, दो चिल्ली अपने पॉट में भी लगा लें, जिससे कि आप अपने घर के ज़रूरतमंद जैसे किचन गार्डन और ये सब है उसकी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। और ये चिल्ली जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी जो देख रहे हैं कि ये चिल्ली बहुत सारा ही फला हुआ है, इधर भी फले हुए हैं, बड़े बड़े चिल्ली हैं। और ये चिल्ली की खासियत ये है सभी चिल्ली की कि जब ये फ्लावरिंग करता है और जब ये फ्रूट देना स्टार्ट करता है तो आप इसमें
जो वाटरिंग है बहुत ही कम कर दें। वाटरिंग देने से क्या होता है कि जो चिल्ली के जो फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं और इसके जो फल हैं और जो इसके चिल्ली हैं छोटे छोटे वो लगना बंद कर देते हैं और वो पीला होके झड़ जाता है। तो एक बात की ध्यान रखें कि जब भी इसमें चिल्ली लगे, जब भी इसमें फ्लावरिंग हो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं फ्लावरिंग का भी, तो इस टाइम में आप पानी जो है बहुत ही कम डालें, क्योंकि यह समय जो है बरसात का सीज़न है। तो इसमें आपको जो है कि डायरेक्ट जो है बरसात के पानी से थोड़ा बचाना होता है चिल्ली को, क्योंकि इस टाइम जो है बरसात में ज़्यादा वाटरिंग के वजह से चिल्ली थोड़ा प्रोडक्ट कम कर देता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर के महीने आते हैं तो चिल्ली फिर से फलना स्टार्ट हो जाता है। तो घबराएं नहीं, आपके भी चिल्ली बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और जो चिल्ली है, अगर हैवी रेन हो रहा है नॉर्मली 2 से 3 दिन लगातार, तो आप चिल्ली को ऐसे जगह पर रख दें कि जहाँ पर बारिश की बूंदें और बारिश जो है इसमें कम पड़े। तो फ्रेंड्स, जो चिल्ली के प्लांट है उसमें एक खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी फंगस नहीं लगते हैं जल्दी। अगर इसमें कोई भी ऐसे फंगस या कुछ भी लग जाए तो उसमें आपको करना क्या होगा कि नीम ऑयल जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक जो होते हैं, उसमें आप इसके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये टोटली जो है रुक जाएगा, इसमें कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं होंगे। और ऐसे भी अगर कोई भी खाने वाले चीज़ हैं, जैसे कि ये चिल्ली हैं या तो आप टोमेटो है लगाए हैं, तो आप जो हैं उसमें हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करें, क्योंकि आपको खाना होता है उसके बाद में। तो ऐसा यूज़ करें कि आपको कोई भी नुकसान ना हो सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि हम इसमें फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करें। तो फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग यूज़ कर सकते हैं, जो कि टोटली डिकम्पोस्ट हो जाता है, तो इसके लिए बेस्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और काउडंग ही यूज़ किया है। देखिए इसके छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, वो दिख रहे हैं, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में एक चिल्ली का प्लांट ज़रूर लगाएं, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है और बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग देता है। तो जिससे कि आपके घर में, आपके किचन में जो भी आवश्यक होती है, जैसे कि चिल्ली, आप अपने छत से, अपने टेरेस गार्डन से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।